और एक बड़ी खबर, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनी टेस्ला के मालिक एलन मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के लिए इस महीने के आखिर तक भारत आने की योजना बना चुके हैं। सर, इंडिया की तो बात ही नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें, इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है? तकरीबन 31 लाख 29 लाख। आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और भी बिजली चार्जिंग वाली यहाँ पे। अच्छा, अब वैसे तो हम जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। इसकी वजह ये है कि एलन मस्क जो है वो उन्होंने जाने ही जाना था इंडिया, लेकिन कब जाना था ये अब पता चल गया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। पता है, मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है। उसकी वजह ये है कि मस्क ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करके लिखा है कि उन्हें भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात का इंतजार है। अच्छा, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये जो बहुत सारे फ्रंट है, इसमें एक और नया महाल बहुत तेज हो गया है। और वो जो आईफोन 14 प्रो मैक्स की अगर बात करें, कितने का आज अगर मैं लेना चाहूँ? सर, अगर आज आप लेना चाहते हो 5 लाख रुपए का मोबाइल भी नहीं मिलना आपको, क्योंकि जो इस तरह हालात कर दिए गए मुल्क के, मजीद बेटैक्स टैक्स पे टैक्स लगा दिए गए हैं, ये तो ज्यादती हो रही है ना आवाम के साथ। एलन मस्क साहब जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में उनकी मुलाकात होगी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब। पाकिस्तान जो आप, मैंने वही बात की ना कि चारों तरफ अगर इस तरह के हालात हो तो वो बिल्कुल, मैंने वो जो पहले बात की ना कि आतिशफिशां की चोटी पे बैठ के आप पिकनिक मना रहे हो, तो बाज दफा लगता है कि कुछ ऐसे ही हमारे यहाँ हो रहा है कि जो कुछ दुनिया में हो रहा है शायद हमें उसकी परवाह ही नहीं है, हमें पता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। टेस्ला मोटर्स के फाउंडर एलन मस्क जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भारत आएंगे। एलन मस्क ने एक्स पोस्ट कर यह जानकारी दी। टेस्ला के भारत आने और उत्पादन प्लांट में निवेश की चर्चाएं के बीच मस्क की ओर से बड़ा बयान आया है। उम्मीद है कि 22 अप्रैल को दिल्ली में पीएम मोदी के साथ एलन मस्क की मुलाकात होगी। टेस्ला भारत में अपनी फैक्ट्री खोलने की तैयारी में है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में निवेश को लेकर अहम चर्चा हो सकती है। इससे पहले एलन मस्क की पीएम मोदी से जून 2023 में न्यूयॉर्क में मुलाकात हुई थी। भारत में टेस्ला ईवी बनने के साथ ही इसे अन्य देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाएगा। धीरे धीरे सारी कंपनियां चाइना छोड़ भारत में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोलता देख चीन सदमे में है। इससे पहले एप्पल ने चीन से अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भारत में शिफ्ट किया था और अब टेस्ला भी। भारत की तरक्की देख पाकिस्तान और चीन सदमे में है। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। जय हिंद। एलन मस्क साहब जो है उन्होंने ऐलान कर दिया है, ट्विटर पर ट्वीट किया है कि वो इंडिया जा रहे हैं और इंडिया में उनकी मुलाकात होगी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी साहब से। अच्छा, अब वैसे तो हम जानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं है। इसकी वजह ये है कि एलन मस्क जो है वो उन्होंने जाना ही जाना था इंडिया, लेकिन कब जाना था ये अब पता चल गया है। उन्होंने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन इंडिया। तो इसका मतलब है कि एलन मस्क बहुत जल्द इंडिया जा रहे हैं। किस लिए जा रहे हैं, ज्यादा अहम बात यह है। वैसे तो खैर एलन मस्क का किसी कंट्री में जाना और तो अपने बजाते खुद एक बहुत बड़ी खबर है। दुनिया का जो है वो मोस्ट इन्फ्लुएंशियल, मोस्ट रिचेस्ट और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन जो है वो एलन मस्क है। तो एलन जिस चीज पर हाथ रख देता है, जिस चीज पर उंगली रख देता है, उसका भाव बढ़ जाता है। हम इस वक्त बात करें कि एलन मस्क जो है वो अभी कुछ दिन पहले ही भारत से होकर गए हैं, इंडिया का विजिट करके अभी कुछ दिन पहले एलन मस्क गए, और इससे पहले भी इंडिया जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं उनसे उनकी मुलाकात, तो जब नरेंद्र मोदी अमेरिका आए थे यहाँ पर उनका विजिट हुआ था तो उस वक्त भी उनकी एलन मस्क से मुलाकात हुई थी। अब ये जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एलन मस्क एक बिग अनाउंसमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, जिसमें वो बताएंगे कि वो कितने बिलियंस डॉलर्स कि इन्वेस्टमेंट इंडिया में करने लगे। वैसे तो सबको पता है कि ईवी जो टेस्ला है, जो कार्स हैं, वो अब इंडिया में आ रही हैं। और दिलचस्प बात यह कि मैंने आपको पहले भी प्रोग्राम में किया था जिसमें आपको बताया था कि एलन मस्क को इतनी जल्दी है इंडिया में अपनी कार्स लाने की कि उन्होंने जो जर्मनी है वहां से ही इंडियंस के लिए जो है वो कार्स बनाई है वहां पर, और फिर वो जो है वो इंडिया पहुंचेंगी या पहुंच रही हैं। सिर्फ यही नहीं कि एलन की फैक्ट्री वहां पर लगेगी या जो टेस्ला है उसका प्लांट वहां पर लगेगा, नहीं,
बल्कि इसके साथ उन्होंने वहां पर इसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी है, क्योंकि जो भी कंट्री वहां पर जाता है इंडिया में अपना काम लेकर, तो उसके लिए जो है वो किया जाता है कि टेक्नोलॉजी दो तो फिर ठीक है, तो फिर वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं। तो कोई कह रहा है जालिमो मोदी आ रहा है तो देख ले। बात आती है विजन की, कि आपका विजन क्या है एज ए नेशन, आपके नेबर कंट्री का एज ए नेशन क्या विजन है, हमारे में और इंडिया वालों के विजन में कोई फर्क है, सोच में फर्क है? अब ये थोड़ी सी ना बात जो है वो कुछ तो हमारी जो बुनियाद है ना उसमें कुछ खराबियां हैं। मतलब मैं समझा नहीं इस बात मतलब का। मतलब ये है कि जब आपने मजहब को करार दिया ना, आपकी रियासत की बेस ना, अब वो मजहब में जिंगुइज्म है, आप जितना मर्जी बोलो नहीं है वो है, ठीक है? तो अब उन्होंने सेकुलरिज्म को प्रमोट किया या उसके ऊपर प्रमोट किया, जिंगुइज्म उनके यहाँ भी आया है, बट दैट हैज कम एज रिएक्शन, ठीक है ना? जो बाहर से इन्वेडर्स आए, उन्होंने जो कुछ इन द एनल्स ऑफ हिस्ट्री जो कुछ उनके साथ उन्होंने किया है, ठीक है, उसका रिएक्शन है वो आ रहे हैं, ठीक है? इंडिया वाले अगर वो इस वजह से हुए कि वो रिएक्शन देते हैं, परमानेंट फिनोमिनन नहीं है वो वहाँ, ठीक है? जबकि आपके यहाँ मामला ये है कि आप कोई बंदा यहाँ से खड़ा आपके सामने होता है, मैं आपको पता है मैं कभी बात भी करता हूँ कि ये जो हिंदू है ये किसी चाइनीज को, किसी अमेरिकन को, किसी यूरोपियंस को अगले 25 से 50 साल में बहुत पीछे छोड़ के जाने वाला है, उसकी वजह ये है कि इनको कभी हिस्ट्री में सुकून नसीब ही नहीं हुआ। अच्छा, ये 75 साल पिछले जब उनको वो पुरसकून तरीके से वो कर रहे हैं, तो आपको पता है वो दुनिया के हर शोबे में जाके लीड कर रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक है, और वो मजीद करने जा रहे हैं। आपने जो बात की है कि भाई उन्हें कभी सुकून नसीब नहीं हुआ, मतलब उसके ऊपर उनके ऊपर जंग मुसल्लत कर दी गई कभी ना, इन्वेडर्स आए ना, आप एज मुस्लिम, हाँ वो कभी कोई आ रहा है कभी कोई आ रहा है, ठीक है, वो यहाँ आके जो है वो उनकी खवातीन को वो कर रहा है, बेइज्जत कर रहा है। मैं तो ये भी कहूंगा कि अगर मेरे बड़ों ने कहीं कलमा पढ़ा था वो डर के पढ़ा था, उनको पता था कि मेरी इज्जत जो है महफूज नहीं है, मेरी जायदाद जो है वो महफूज नहीं है, और वो जो हमारी वो भी है वो भी महफूज नहीं है। अच्छा, इसका मतलब है वो ये बात समझ चुके हैं, हमें ये क्यों नहीं बात समझ आती? आज भी हम अगर बात करते हैं वो यही लड़ाई की, जंग की, या इस तरीके से पाकिस्तान में महंगाई होती जा रही है, डॉलर की कीमत बढ़ती जा रही है, साथ ही बिल्कुल अफगानिस्तान है, साथ ही बिल्कुल इंडिया है, खासतौर पर इंडिया की बात करें वो 80-85 से डॉलर को आगे जाने नहीं दे रहे। सर इंडिया की तो आप बातें नहीं करें, वो तो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। सर देखें इधर गाड़ी आल्टो कितने की आ रही है, तकरीबन 31 लाख 29 लाख आपको इंडिया गाड़ी दे रहा है 5 लाख रुपए की, और वो भी बिजली चार्जिंग वाली, यहाँ पे किधर है? भारत से दुश्मनी करके चीन ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, सोते हुए शेर को जगा दिया है। कोविड के बाद से लगता है चीन के बुरा वक्त शुरू हो गया है, हो सकता है अगले 10 साल में चाइना USSR की तरह कोलैप्स हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।